हेलो, मैं डॉक्टर राव। आप जानते हैं हमारे क्लिनिक में बहुत सी जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी होती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों की, और साथ में ब्रेस्ट सर्जरी भी होती है। तो हाइमन रिपेयर बहुत पेशेंट्स हमारे पास कराने आती है, और हमारी खास बात यह है कि हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। पेशेंट की सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद उसको फोटो दिखाते हैं, रिपेयर करने के बाद उसे अच्छे से समझाते हैं कहाँ पे टियर था, तो पेशेंट में एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे सर्जरी कराने के बाद कि हाँ, मेरी ब्लीडिंग होगी। और सैकड़ों हजारों हम पेशेंट इसमें ऑपरेट कर चुके हैं और हर पेशेंट सेटिस्फाइड हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमारे पास कभी कंप्लेंट नहीं आई कि मेरी ब्लीडिंग नहीं हुई या मुझे दिक्कत आई। लेकिन हम जब इसमें टाके लगाते हैं, आपको पता है, सुन करके लगाते हैं, वो घुलने वाले होते हैं। मैं बहुत बार, मैंने शुरू में टर्म यूज़ की कि घुलने वाले होते हैं। अब मैं घुलने वाले का मतलब बताता हूँ, क्योंकि इससे कुछ कन्फ्यूजन होती है। जब हमने वजाइना में हायमन में टाके लगाए, तो बहुत पतले टाके होते हैं, वो इस तरह से हमने लगाए, वो आधा टाका वजाइना हायमन के अंदर से गया और आधा बाहर। जैसे आप रजाई सिल रहे हो, तो आधा धागा रजाई के अंदर से जाएगा और आधा उसके बाहर से आएगा, या कोई भी कपड़े में भी एक आधा दूसरे सर्विस के पीछे से जाएगा, आधा बाहर आएगा। तो जो बाहर होगा धागा, वो नहीं पिघलेगा, जो अंदर होगा वो पिघलेगा, तो वो घुलेगा। जब वो घुलेगा, तो जो बाहर वाला होगा वो क्या होगा, वो टूट के गिर जाएगा। तो हालांकि हम पेशेंट को एश्योर कर देते हैं, तो 90-95% पेशेंट एश्योर हो जाते हैं और उनको दिखा देते हैं फोटो और वो चले जाते हैं बिना किसी, उनको कोई दिक्कत नहीं आती और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 5% जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो वजाइना की, वो अपनी हायमन को चेक करती रहती हैं बार बार कि मेरा टाके का क्या हुआ, फोटो लेती हैं। उससे वो एंग्जाइटी क्रिएट करती है और चले जाने के बाद हमें भी फ़ोन करके बार बार कहती है, जी मेरे को टाका मेरा टूट गया। देखिए, वो टाके लगाए ही टूटने के थे, इसको टूटना इसलिए नहीं कहते कि वो टूट गया। अगर कोई टाका टूटने के का मतलब है वहाँ पे हायमन रिपेयर होने के बाद ब्लीडिंग होना, तब तो वो टाका टूटा। लेकिन अगर वो नीचे गिर गया, तो वो इसलिए गिरा कि जो उसका नीचे अंदर का पोर्शन था वो एब्जॉर्ब हो गया या घुल गया, तो बाहर का पोर्शन नीचे बाहर गिर गया। ये नॉर्मल है, टाके इसीलिए लगाए जाते हैं हायमन में इस तरह के घुलने वाले, कि वो अपने आप, क्योंकि आपको दोबारा आना मुश्किल होता है। दूसरा रीज़न ये है कि हायमन इतनी पतली झिल्ली होती है, इतनी सेंसिटिव होती है, कि उसमें दोबारा टाके निकालना मुश्किल होता है कट करके। तो हम यही टाके लगाते हैं कि जिनका अंदर का हिस्सा घुल जाए और बाहर का हिस्सा बाहर गिर जाए, तो वो टूटा नहीं है। अभी भी हमारे पास एक पेशेंट आई, आज मेरे वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि एक पेशेंट ने ऐसे फोटो भेजी अपनी कि ये टाका मेरा गिर गया। तो गिरा नहीं है, वो इसी पर्पस से बना लगाया गया था कि वो अपना काम पूरा होने के बाद नीचे गिर जाए, वहां से निकल जाए, तभी वो एब्सेंट होंगे। वो बाहर अगर कोई टाके लगे हैं, वो घुल नहीं सकते, बॉडी के अंदर ही घुल सकते हैं, तो आधे घुल जाते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है वो गिर जाता है। तो होपफुली इससे आपको, जो पेशेंट आगे कराने वाले होंगे, उनको ये सांत्वना हो जाएगी और उनको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बनाया गया था, आपने अपना टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।